गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। आज यहाँ हम लोग पिछले क्लास में लिनक्स तक पढ़ लिया था, आज हम लोग MS-DOS से स्टार्ट करेंगे। MS-DOS इज़ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बाई माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इट स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा निर्माणित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ए नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ए CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, डैट इज़ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये जो है वो नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब होता है ये एक CUI बेस्ड यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो भी वर्क हम लोग इस पर करते हैं वो कैरेक्टर और नंबर्स को यूज करके और सिंबल्स को यूज कर करते हैं। इसमें कोई भी इमेज या पिक्चर वगैरह हम लोग इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। MS-DOS वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन अगस्त 1981 एंड वाज लास्ट अपडेटेड इन 1994। MS-DOS जो है वो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अगस्त 1981 में बनाया गया है और इसको लास्ट अपडेट मतलब लास्ट इसका जो ये है वर्जन किया गया है उसको 1994 में अपडेट किया गया है इसको। इट अलाउज द यूज़र टू नेविगेट, ओपन एंड अदरवाइज मैनिपुलेट फाइल्स ऑन देयर कंप्यूटर फ्रॉम ए कमांड लाइन इंस्टेड ऑफ ए GUI लाइक विंडोज़। ये जो होता है MS-DOS में जो है हम लोग कोई भी कार्य जो है वो इसको ओपन कर से एक कमांड की सहायता कोई भी इस पे वर्क जो करते हैं हम लोग उसके लिए एक स्पेशल कमांड होता है जिसका उपयोग करके हम लोग इसमें वर्क करते हैं। ऑपरेटिंग यहाँ देख रहे हैं आप MS-DOS का विंडो ऐसा होता है। यहाँ पे कलर नहीं ब्लैक एंड वाइट ही रहता है, कुछ कलर चेंज करने के लिए भी कुछ ऑप्शन रहते हैं इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस यानी मोबाइल डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है। नाउ इट इज़ द टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट इन मेनी चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द मोबाइल फोन्स। इस अभी के दिनों में हम लोग देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन में जो भी टेक्नोलॉजी है जो भी वर्क हुआ है उसको हम लोग अलग अलग तरह से ये बनाया गया है उसको। मोबाइल डिवाइसेस सच एज फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर एंड MP3 प्लेयर आर वेरी डिफिकल्ट डिफरेंट फ्रॉम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स, सो दे रन ऑपरेटिंग सिस्टम डैट आर डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस जैसे फ़ोन्स, टैबलेट और कंप्यूटर्स और की तरह जो MP3 प्लेयर्स होते हैं वो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर से अलग होते हैं। उनको चलाने के लिए एक अलग तरह का एक विशेष तरह का मोबाइल डिवाइस या मोबाइल यंत्र उसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड एप्पल iOS, विंडोज़ फोन 7 एंड गूगल एंड्रॉयड। एग्जाम्पल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं मोबाइल डिवाइसेस के वो नीचे दिए गए हैं, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ये एप्पल iOS का है, ये विंडोज़ फ़ोन 7, गूगल एंड्रॉयड का ये पिक्चर। एंड्रॉयड फोन्स हैव लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट फोन टू रन ऑन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज HTC ड्रीम एंड वाज रिलीज्ड ऑन 22 अक्टूबर 2008। एंड्रॉयड फ़ोन्स जो है वो लिनक्स बेस्ड यानी लिनक्स के आधार पर बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जो सबसे पहले बनाया गया है एंड्रॉयड फ़ोन्स वो 22 अक्टूबर 2008 को बनाया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टर्म विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। इट इज़ जनरली ए प्रोग्राम और कलेक्शन और प्रोग्राम्स यूज्ड बाय एंड यूजर्स। इट कैन बी कॉल्ड एन एप्लीकेशन और सिंपली एन ऐप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक टर्म है जो हमें सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट एक विशेष कार्य के लिए उसको सॉफ्टवेयर के क्रिएट किया गया है, उसका निर्माण किया गया है। इट इज़ जनरली ए प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ये एक साथ सामान्य प्रोग्राम और प्रोग्रामों का समूह है जो उपयोगकर्ता द्वारा जिसका उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है। इट कैन बी कॉल्ड एन एप्लीकेशन और सिंपली एन ऐप, इसे हम लोग एप्लीकेशन भी कह सकते हैं और साधारण भाषा में इसे हम लोग ऐप भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी प्रकार, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो प्रकार होते हैं देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज गिवन बिलो। बहुत
तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। वर्ड प्रोसेसर, ए वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर डेट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। एक वर्ड प्रोसेसर जो है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को ये अनुमति देता है कि कैसे क्रिएट करना है, किसी भी चीज़ को बनाना है, उसमें कैसे चेंजिंग करना है और उस डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिंट करना है। इट इनेबल्स यू टू राइट टेक्स्ट, स्टोर इट इलेक्ट्रॉनिकली, डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, मॉडिफाई इट बाय एंटरिंग कमांड्स एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट इट। ऑफ ऑल कंप्यूटर एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग इज द मोस्ट कॉमन। ये सक्षम होता है, हमें लिखने के लिए सुविधा देता है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, हम लोग इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, कमांड्स इंटर कर सकते हैं, कीबोर्ड से जो भी कैरेक्टर होते हैं वो इसमें हम डाल के कोई भी चीज़ कमांड का यूज कर सकते हैं, इसको फिर उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं। नहीं रुके हैं क्या? गेम्स नेक्स्ट है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो है, आप देखिए यहाँ पे, इसको बारीकी से देखना होगा आपको। गेम्स, वी कैन प्ले मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम ऑन आवर कंप्यूटर। हम लोग बहुत तरह के गेम्स जो होते हैं अपने कंप्यूटर में खेलते हैं उसको। सम ऑफ द गेम्स आर प्री इंस्टॉल इन कंप्यूटर वाइल अदर्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। कुछ गेम्स जो होते हैं वो ऑलरेडी पहले से जब हम कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर लाते हैं अपने घर में या बीच उसको यूज करते हैं तो उसमें पहले से इंस्टॉल होता है, यानी पहले से उसमें सम्मिलित होता है। लेकिन कुछ गेम्स जो है वो हम लोग इंटरनेट के द्वारा उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। सम ऑफ द प्री इंस्टॉल गेम्स इन विंडो 10 आर गिवन बिलो। विंडो 10 में जो गेम्स जो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं वो निम्न है, मारियो, एंग्री बर्ड्स, कैंडी क्रश, तीन पत्ती। नेक्स्ट पेज, मीडिया प्लेयर्स। इफ़ वी वांट टू लिसन टू सॉन्ग और वॉच मूवीज़ वी नीड टू यूज़ ए मीडिया प्लेयर। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम कोई गाना सुने या मूवी देखें तो हमें मीडिया प्लेयर की आवश्यकता होती है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर एंड आईट्यून्स आर द पॉपुलर मीडिया प्लेयर्स। विंडोज़ मीडिया प्लेयर और आईट्यून्स जो है वो प्रसिद्ध यानी विख्यात मीडिया प्लेयर्स है। यहाँ पे विंडो मीडिया प्लेयर का पिक्चर दिया हुआ है, विंडो का पिक्चर दिया है, यहाँ आईट्यून्स विंडो का पिक्चर दिया हुआ है। वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेट अलाउज अस टू व्यू एंड एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। वेब ब्राउज़र जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें किसी भी चीज़ को देखने में और उसका पता लगाने, किसी भी इंफॉर्मेशन का पता लगाने में हमारी वेब पर मदद करता है। यूजर कैन रिक्वेस्ट फॉर एनी वेब पेज बाय जस्ट एंटरिंग ए URL इनटू एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र विंडो। जो ब्राउज़र विंडो होता है उसके एड्रेस बार पे जो हम लोग URL में एंट्री करते हैं तो हम किसी भी वेब पेज के लिए उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र कैन शो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड मोर। वेब ब्राउजर जो है वो किसी भी टेक्स्ट को शो कर सकता है, ऑडियो को शो कर सकता है, वीडियो और कोई भी एनिमेशन और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग उस पर कर सकते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए वेब ब्राउजर टू इंटरप्रेट टेक्स्ट एंड कमांड्स कॉन्टेंट इन द वेब पेज। ये उत्तरदायित्व जो है वो एक वेब ब्राउज़र की है कि कैसे उसको व्याख्या करना है, कैसे उसके कमांड्स को संतुलित करना है वेब पेज में। यहाँ पे वेब ब्राउज़र्स के कुछ दिए गए हैं, जस्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। आप नेक्स्ट क्लास में आपको या आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा।